आइए अभी हम बनाते हैं दाल मखनी। और दाल मखनी बनाने के लिए ये 200 ग्राम मैंने उड़द की दाल ओवरनाइट सॉक करके रखी थी, जिसको कि इस तरह से मसल के इसमें से कुछ छिलके निकाल लेंगे और इसको 2 से 3 बार धो के मैंने राजमा किडनी बीन्स ये भी मैंने ओवरनाइट सॉक करके रखा था, भिगा के अच्छे से धो के ले लिया था मैंने। तो ये 100 ग्राम जो है राजमा आप कोई भी ले सकते हैं राजमा, और ये 50 ग्राम चने की दाल जो 3-4 घंटा मैंने भिगा के रखी थी, अब ये इसके अंदर डाल देंगे। और 5-6 ये लहसुन की कलियां इसके अंदर डाल देंगे और लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट डालेंगे इस पे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अभी मैं यहाँ 1.5 टीस्पून के आसपास ले रहा हूँ, आप आपके स्वाद के अकॉर्डिंग डालेंगे। और अब इसमें पानी डालेंगे उतना कि ये सारा जो है राजमा और ये अपना उड़द की दाल पानी में डूब जाए, उतना पानी इसमें हम मिलाएंगे। आइए 30 मिनट के बाद हम बर्तन से एक कुकर से जो है कवर हटा लेंगे, क्योंकि मैंने इसका जो प्रेशर है वो नेचुरली रिलीज कर दिया है। तो 30 मिनट हो चुकी है, देखते हैं क्या सीन है हमारे दाल का। वाह, तो एकदम अच्छी जो है दाल हमारी गल चुकी है। तब यहाँ पे 1 ग्लास में ये वाला ये मिल्क दूध डाल दूंगा इसमें। आइए दूध डालने के बाद मैंने लगभग 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पकाया था, और मैंने कुकर का जो है कवर हटा दिया है। तो आप देख सकते हैं एकदम नाइस रिच और क्रीमी लुक है हमारी जो है दाल मखनी का। तो अभी यहाँ पे हम जो है गैस को बंद कर देंगे और कुकर को नीचे उतार के तड़के की हम तैयारी कर लेते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने ये 4 से 5 टेबलस्पून जो है कुकिंग ऑयल ले लिया है, तो अब वो गर्म भी हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं 100 ग्राम जो है बटर यूज़ करूँगा, और आप चाहे तो कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, आपके मर्जी के हिसाब से यहाँ घी भी डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो बटर को थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। आइए बटर हमारा जो है मेल्ट हो चुका है, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला डालेंगे, जिसमें 1 स्टार अनाइस थोड़ा सा डाल देंगे, 1 काली बड़ी इलायची डालेंगे, और ये 3 जो है ये छोटी इलायची हरी इलायची डाल देंगे इसके अंदर, और थोड़ा सा सिनेमोन स्टिक का ये टुकड़ा हमने इसमें डाल दिया। तुरंत डालेंगे लगभग 1.5 टीस्पून के आसपास ये क्यूमन सिर्फ जीरा इसमें डाल देंगे। गैस अभी मैंने हाई टू मीडियम पे रखा हुआ है, एक बार चला लेते हैं। ये लगभग 1-8 मिनट हो चुका है, तो 1 मिनट के बाद ये 200 ग्राम मैंने प्याज जो बारीक काट ली है अब ये इसके अंदर डाल देंगे, और प्याज को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको कुक कर लेते हैं। आइए प्याज को पकते हुए 10 मिनट हो चुकी है, तो बर्तन से कवर हटा लेंगे हम, और अब इसमें ऐड करेंगे ये 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम ये अदरक जिंजर का पेस्ट, और डालेंगे इसमें उतना ही ये गार्लिक पेस्ट, ये मैंने फ्रेश पिसा हुआ है, रेडीमेड नहीं है, और डालेंगे 3 मिर्च हरी मिर्च जो मैंने पीस ली थी वो इसके अंदर अभी डाल देंगे, और बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है मसाले हैं वो भी हम इसमें डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले डालेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा कम ये टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून ये जीरा पाउडर, और 1 टीस्पून के करीब करीब
कि धनिया कोरिएंडर पाउडर और डालेंगे रेड चिली पाउडर एक टीस्पून के आसपास। रेड चिली पाउडर हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। आइए 6 से 7 मिनट हो चुकी है तो कढ़ाई से हम जो है कवर हटा के अब इसमें दो ये वाले बड़े चम्मच टोमेटो केचप डाल देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला अभी डालेंगे, थोड़ा सा गार्निशिंग के टाइम पे डाल देंगे तो आधा टीस्पून जो है चाट मसाला इसके अंदर चला जाएगा। और चला लेते हैं इसको भी अच्छे से और 5-6 मिनट तक और इसको अच्छे से कुक कर लेते हैं ताकि हमारी ग्रेवी भी बहुत अच्छे से पके और हमारी डिश जो है बहुत ही एवल और रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबा स्टाइल से भी टेस्टी। आइए 6-7 मिनट के बाद वापस हम इसमें थोड़ा सा ये जो टमाटो केचप डाल देंगे 1 टेबलस्पून के जितना ये वाला, ये इसके अंदर ये 2 डाल देते हैं और वापस थोड़ा सा चाट मसाला 1 टीस्पून के करीब करीब इसमें मिला देंगे। और अब जो हमने दाल मखनी जो रेडी की थी तो ये दाल भी इसके अंदर अब ऐड कर देंगे। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब ये दाल है, मतलब किंग ऑफ दाल इसको आप बोल सकते हैं। आइए दाल को ऐड करने के बाद लगभग मैंने 10 से 12 मिनट तक इसको लो टू मीडियम आंच पे कुक किया था। बर्तन से कवर हटा लेते हैं और गैस एकदम स्लो कर लेते हैं और अब यहाँ पे ऐड करते हैं हम ये फ्रेश क्रीम, आप होममेड भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा भी डालेंगे और थोड़ा गार्निशिंग के टाइम पे हम क्रीम डाल देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस बिल्कुल यहाँ पे बंद कर देंगे हम। तो ये तैयार हो गई हमारी दाल मखनी या दाल माखनी। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, नमक शमक, क्योंकि थोड़ा सा नमक शमक थोड़ा कम रह गया है तो ये थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे सॉल्ट 1/2 टीस्पून के आसपास। और यहाँ पे ऐड कर देते हैं फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। तो ये हो गई हमारी रेडी दाल मखनी। देखिए कलर भी कितना प्यारा है, बिल्कुल रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल दाल मखनी। तो आइए ये दाल मखनी को हमने एक बाउल में ले लिया है और अब थोड़ा सा गार्निशिंग वार्निशिंग भी हो जाए, ये डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा ये बटर और ये क्रीम डाल देंगे थोड़ी सी।